हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा। सो गैस बनना ये बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली बच्चे जो कि 3 महीने से छोटे होते हैं। तो उस टाइम पे हम पेरेंट्स को समझ नहीं आता, बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ कि गैस बनने की रीजन क्या होते हैं और हम कैसे समझे कि बच्चों में आखिर जो बच्चा रो रहा है वो गैस की वजह से ही रो रहा है। और तीसरी चीज हम ये बात करेंगे ऐसे क्या होम रेमेडीज हैं जिनके हेल्प से हम बच्चे में जो गैस की प्रॉब्लम है उसको सही कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स पता चल सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बच्चों में गैस क्यों बनती है। सबसे पहला मेन रीजन कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डेवलप होता हो रहा होता है, मतलब अंडर डेवलपमेंट होता है। तो उस समय गैस बनना बहुत ही कॉमन होता है। और कई बार क्या होता है, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करे या फिर बॉटल फीड पे हो तो उस टाइम पे बच्चे कई बार एयर को अपने अंदर ले जाते हैं, तो जो कि एक रीजन होता है कि एयर चली गई है वो एक रीजन होता है कि बच्चों में गैस बन जाती है। दूसरा रीजन, कुछ बच्चे पेसिफायर यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी बच्चे एयर का इंटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से उनमें गैस बनती है। अब बात करते हैं कि आखिर हम एज अ पेरेंट लाइक हम कैसे समझें कि आखिर बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, उसे गैस की प्रॉब्लम है क्या है। तो इसका सबसे बेसिक आपको आपको क्या करना है जस्ट टू टेस्ट, कि आप सबसे पहले बच्चे की टमी को देखिए। अगर बच्चे की टमी जो नाभि के पास का हिस्सा है स्पेशली, अगर वो हार्ड लग रहा है आपको और उसको दबाने में बच्चा रो रहा है तो 90% डे होता है कि बच्चे को गैस रिलीज करने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि बच्चे को जब गैस रिलीज करता है या पॉटी करता है तो तब सडनली रोने लगते हैं और जैसे ही गैस रिलीज किया पॉटी किया उसके बाद चुप हो जाते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है गैस बनने का, क्योंकि बच्चों के पेट के अंदर गैस बनी होती है और पॉटी करने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और पेट में दर्द होता है। तो ये दो जो बेसिकली साइन है इनसे जिनसे आपको पता चल सकता है कि बच्चों में गैस बनी हुई है। अब बात करते हैं कि होम रेमेडीज ऐसी हम क्या यूज करें जिनके की जिनसे कि बच्चों के अंदर जो गैस बनी हुई है उसको हम सही कर सकें। सबसे पहली होम रेमेडीज जो कि मैं अपने बच्चे के लिए यूज करते आई हूं वो है अजवाइन का सेक देना। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम अजवाइन का सेक कैसे दें। तो अजवाइन के सेक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट थोड़ा सा जो कोयला होता है या गंडा होता है उसमें आग लगाइए। जब अंगारे अच्छे से जल जाएं उसके बाद आप उसे किसी उसमें ले लीजिए, तवे पे ले लीजिए या किसी ऐसे बर्तन पे लीजिए जो कि लाइक जिस मोटा हो थोड़ा, और उसमें लेने के बाद आप जो अजवाइन है आप उसको उसके ऊपर से डालिए, उस सुलगे हुए अंगारे पे डालिए। उससे क्या होगा, जो आप अजवाइन डालेंगे तो उसका धुआं निकलेगा, उस धुएं को आपको एक कॉटन का जो पतला कपड़ा हो थोड़ा उसमें धुएं को लेना है और उसके बाद बेबी के नाभि के हिस्से में उससे सिकाई करनी है आपको। हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें अजवाइन का सेक करने का डालेंगे कि कैसे हम बच्चों को अजवाइन का सेक दें। ये बहुत मैं बता रही हूँ आपको 90% इससे आपके बच्चे की गैस रिलीज होगी। ये बहुत ही ज्यादा मैंने बता रही हूँ, मैंने अपने बच्चे के लिए यूज किया है और ये मतलब मेरी बच्ची तो लाइक गैस रिलीज करने में इससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती थी, बहुत जल्दी करती थी। तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं अजवाइन। दूसरी चीज, आप अजवाइन का इंटेक जो भी ब्रेस्ट फीड करा रही हैं मॉमीज, जितनी भी नर्सिंग मॉम्स हैं वो अजवाइन को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को गैस का प्रॉब्लम है या आप अजवाइन का सेक नहीं कर पा रहे, आप कुछ मत करिए, फटाफट आप एक अजवाइन लीजिए 1 चम्मच, उसे रोस्ट करिए, ड्राई रोस्ट करिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक ब्लैक सॉल्ट मिलाइए और उसे खा लीजिए और उसके बाद 1 ग्लास गुनगुना पानी पी लीजिए। तो आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे बच्चे को, आप जो लेंगे आपका बच्चे के पेट में जाएगा और इससे आपके बच्चे को गैस रिलीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अजवाइन का मैं बता रही हूँ, अगर आप आफ्टर डिलीवरी पोस्ट प्रेगनेंसी अगर आप अजवाइन का इंटेक करेंगे बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट तो आपको बेबी को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको खुद को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो यूट्रस है उसका साइज भी ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है यूट्रस को, तो जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट बढ़ जाता है टमी आ जाती है वो भी कम हो जाएगी। कई मॉम्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पोस्ट प्रेगनेंसी मॉम्स के दांतों में दर्द होने लगता है, टीथ पेन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, तो आप अजवाइन खाएंगे तो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये तो थी अजवाइन की बात।
थर्ड चीज आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक फीड के बाद बच्चे को डकार जरूर दिलवाइए। मैंने आपको पहले ही बताया है और अभी भी बता रही हूं कि आप हर एक फीड के बाद बच्चे को डकार दिलाइए। आपको बच्चे को डकार दिलाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप जस्ट अपने बच्चे को शोल्डर पे रखिए, कंधे पे ऐसे लेटाइए और पीठ में उसके ऐसे थपथपाइए, थोड़ा सा पैट करिए, अपने आप बच्चा डकार लेगा। क्योंकि बच्चे फीड करते वक्त हवा को अंदर ले लेते हैं मुंह में और उसको निकालना, रिलीज कराना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप बर्प कराएंगे बच्चे को तो रेयर चांसेस होंगे कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो। चौथी टिप मैं आपसे ये बोलूंगी, आप जब भी बच्चे को फीड कराएं तो ये मेक श्योर करिए कि बच्चे का जो हेड है वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो और जो उसका बाकी का जो बॉडी पार्ट है वो थोड़ा सा नीचे हो। क्योंकि बच्चे फीड करते हैं तो एटलीस्ट वो जो फीड करे वो डायरेक्ट उनके स्टमक पे जाए, अदरवाइज सेम वही रीजन होता है, वापस से बच्चा एयर का इनटेक कर लेता है और गैस बनने लगती है। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, मेरे टिप्स आपको अच्छे लगे हैं, तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको आने वाली बेबी केयर टिप्स, होम रेमेडीज या बेबी रिलेटेड कोई भी वीडियो का पता फटाफट चल जाए।